लास्ट के दिनों में दोस्तों याद रखिए, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, आपकी भी अच्छी तैयारी है, सिर्फ सोच का अंतर होता है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। राजस्थान की नंबर वन डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ दिन सिर्फ शेष बचे हैं आपके फिजिकल टेस्ट में से, और इन दिनों में हमें एक एक इवेंट को कैसे इम्प्रूव करना है ये चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। 1300 से ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऑनलाइन भी हमारे साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में यूट्यूब पे भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सारे बच्चों से जो फीडबैक्स हमारे पास आते हैं, जो तैयारी हम कर रहे हैं, जो जिस तरह से हम पूरा प्लानिंग करके अच्छे से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकल के आ रही है कॉमन, जिन चीज़ों का आपको लास्ट दिनों में बहुत ध्यान रखना है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो छोटे छोटे टिप्स मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सारे बच्चों के लिए शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे लॉन्ग जंप के लिए पहले वीडियो है बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले, वो आपको अवश्य देखने हैं, जिसमें मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है कि लॉन्ग जंप किन कारणों से हम नहीं कर पाते हैं, किस तरह से लॉन्ग जंप हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे हमें शुरुआत से जो बच्चे जीरो से सीखना चाहते हैं उनके लिए किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। उसके बाद अभी जो चीजें हैं जो हमें इंप्रूव करनी है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट के दिनों में आपको डरना नहीं है। बहुत से बच्चों को डर लगता है लॉन्ग जंप में, और एक ही चांस दिया था पिछली बार, इस बार भी शायद एक ही चांस होगा, तो एक चांस के अंदर हमें फाउल से बचना है। ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपका फाउल नहीं हो। आप अगर 1 फीट कम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका जंप 15 फीट आ रहा है और उसके बाद में आप फाउल कर रहे हो तो 0 नंबर पे आप चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप चाहे 14 फीट करिए, चाहे 13 फीट भी करिए, तो भी आप फायदे में रहने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउल से बचना है। अब फाउल से बचने के लिए दोस्तों हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, फाउल से बचने के लिए आपको बार बार जंप नहीं करना है। फाउल आदमी का क्यों होता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है उस डिस्टेंस का, जिस डिस्टेंस से हम रनिंग करके आएंगे उस डिस्टेंस से लेके आगे जो लाइन है जहां से हमें जंप करना है उस तक जो दूरी हमें हमें तय करनी है, वो दूरी का हमें अंदाजा होना चाहिए कि कितने कदम मेरे वहां तक जाएंगे, और इस तरह से कदमों का आपको फासला रखना है कि जिससे आपका अच्छे से जंप आता है वो ही पैर वहां तक आए। और ये बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। अब बार बार प्रैक्टिस करने से अगर हम हर बार अगर ये प्रैक्टिस करके, पैरों की प्रैक्टिस करके अगर जंप करेंगे तो हमारे पैर जाम हो सकते हैं, हमारे पैरों में दर्द हो सकता है इतनी बार 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 जंप करने से। तो आपको ये इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है कि रनिंग करके आना है और फिर रनिंग करके आगे सीधा निकल जाना है, जंप नहीं लेना है, सिर्फ पैरों को सेट करना है, सिर्फ पैरों को स्टेप्स को एडजस्ट करना है, स्पीड से रनिंग करके आना है और सीधा ही दौड़ के निकल जाना है, बार बार जंप नहीं लेना है। इससे 2 फायदे मिलेंगे, एक तो आपका 100 मीटर भी इंप्रूव होगा रनिंग करने से, और दूसरा आप अपने पैरों को सेफ रख पाएंगे, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हैं, चाहे आपने कितनी भी एक्सरसाइज कर रखी है, बट अगर बार बार जंप करेंगे आप, रोज जंप करेंगे आप, तो आपके पैर कभी भी जाम हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, और उसकी वजह से फिर आपकी रनिंग भी खराब होगी और जंप भी खराब होगा। तो दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आप बार बार जंप मत करिए, बार बार रनिंग करिए, और सिर्फ फाउल से बचने के लिए आइडिया रखिए। साथ ही जब आप रनिंग करके आते हो दोस्तों, जिस लाइन से आपको जंप लेना है ना, उस लाइन पे हल्की नज़र रखनी है और आगे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जहाँ आपको जंप करना है ना, उन लाइनों पर ज़्यादा ध्यान रखिए कि मुझे 14 क्रॉस करना है या 15 क्रॉस करना है, उन लाइनों पे ध्यान रखिए जिससे आप पावर ज़्यादा लगा पाएंगे और आप अच्छा जंप कर पाएंगे, जंप अपना इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ ही जो बच्चे फाउल नहीं होते हैं, जिनको आइडिया है बट उनका जंप ज़्यादा नहीं हो रहा है,
ज्यादा नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, आपको रनिंग ज्यादा नहीं करनी है, फिर बार बार आपको रनिंग करके अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ खड़े खड़े जंप करना है, ब्रॉड जंप ज्यादा ज्यादा करना है। ब्रॉड जंप करते समय क्या ध्यान रखना है, आप हाइट लगा लीजिए थोड़ी सी और उसमें पैरों को फोल्ड करिए, पैरों को आप ऊपर उठाइए, जितना आप पैरों को ऊपर उठाएंगे ना उतना आपका जंप इंप्रूव होगा। तो ये चीज आपको बार बार करनी है, ब्रॉड जंप आप बार बार करेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, तो भी आपका जंप आराम से इम्प्रूव होने लगेगा। साथ में आपको जंप इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों गिरने की आदत जरूर अच्छी करनी है। आपको जैसे ही आप जंप करके आते हो उसके बाद में खड़े मत रहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डरते हैं गिरने से, तो आपको गिरने से नहीं डरना है, नहीं डरना है, उसकी प्रैक्टिस करिए। और गिरने से दो तीन फायदे मिलते हैं। गिरने से एक फायदा ये मिलता है कि जो हमारा वजन का जो झटका होता है पैरों के ऊपर, वो गिरने से तीन जगह डिवाइड हो जाता है। पैर पहले टिकेंगे, पैर टिकते ही आपको आगे घुटने टिकाने हैं, उस पर कुछ वजन चला जाएगा घुटनों पे, और उसके बाद हाथ भी आगे लगाने हैं। तो तीन जगह उस झटके को डालिए जिससे आपको चोट लगने की संभावना नहीं हो। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बार बार वो खड़े ही जंप करते हैं, पैरों पे सिर्फ वजन पूरा देते हैं, तो पैर जाम हो सकते हैं, उससे आपका जो लॉन्ग जंप हो रहा है वो भी खराब हो सकता है। तो आपको घुटने भी टिकाने हैं और हाथ भी आगे लगाने हैं, लंबे हो जाइए आगे, गिर जाइए, पूरा फैल जाइए आगे, बट आपको एक ही जगह पैरों के ऊपर जंप नहीं रखना है। इससे डर नहीं होगा आपको, गिरने का डर नहीं होगा। और ये प्रैक्टिस आप ब्रॉड जंप में करिए, खड़े खड़े जंप करके गिरने की प्रैक्टिस करिए, जिससे आप जब रनिंग करके आएंगे, जब दौड़ते हुए आएंगे, तो आप आराम से अपना जंप इंप्रूव कर पाएंगे। बहुत से बच्चे बेटा क्या करते हैं कि लगातार बस आंख बंद करके जंप करते जा रहे हैं, आंख बंद करके जंप करते जा रहे हैं। आपको अपना जंप, लॉन्ग जंप इंप्रूव करने के लिए एक बार अपनी गलतियों को पहचानना पड़ेगा बेटा। किसी से आप अपनी गलती ढूंढिए, एक बार खुद भी आप ढूंढ सकते हैं, वीडियो बना के देख सकते हैं अपने जंप का, और उसके बाद में देखिए कि क्या गलती आप कर रहे हैं। जो गलती आप कर रहे हैं ना, उस पर काम करिए, सीधा उसको इंप्रूव करिए। जैसे ही आप उसको इंप्रूव करेंगे आप भी अच्छा करने लगेंगे। अपने दिमाग को एक लिमिट में मत बांध के रखिए कि मेरा तो बस इतना ही हो रहा है, मेरा तो बस इतना ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, मुझे तो इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए, इतने दिन तक आप तैयारी कर रहे थे जब आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब जैसे जैसे कोई भी एग्जाम या कोई भी टेस्ट नज़दीक आता है तो हमारे माइंड का कंसंट्रेशन पावर और बॉडी की जो काम करने की इफिशियंसी है ना, वो बढ़ जाती है। तो लास्ट के दिनों में भी बहुत अच्छा इंप्रूव आप कर सकते हैं, बट उसमें पेशेंस रखना है और चोट से अपने आप को बचा के रखना है। ऐसा नहीं हो, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है लॉन्ग जंप, जिसमें सबसे ज़्यादा चोट लगने का डर रहता है, और इसकी वजह से दूसरे इवेंट भी खराब हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं माइंड में रखना है कि लॉन्ग जंप हमारे लिए सिर्फ ऑप्शनल है। सिर्फ लॉन्ग जंप में हम ये देखते हैं कि इसमें जितने नंबर मिल जाए उतने ठीक है, इसमें हमें पूरे नंबर के चक्कर में हमें फाउल से जरूर बचना है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखिए, और चोट से भी बचना है कि बार बार प्रैक्टिस करके हमें चोट नहीं लगाना है, और रोज इवेंट नहीं करना है। एक इवेंट भूलता नहीं आदमी, अभी तक जितनी तैयारी हो गई अब उसकी जो कमियां हैं उनको सुधार करिए। रोज रोज इवेंट करके हम अपने आप को कमजोर और बनाते हैं। हमारा जो एक विश्वास होता है ना कि मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा तो हर बार फाउल होता है, तो वो जो कमजोर होने का जो विश्वास है वो हमारा लगातार बढ़ता जाता है। तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप भी अच्छा करेंगे और अच्छा करके आएंगे। साथ में एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी जो टाइम आपका कम बचा हुआ टाइम है ना, इसमें डरना नहीं है। डर की वजह से भी हम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। हमें एक डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा फाउल हो जाएगा उस दिन, और या फिर पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कैसा ग्राउंड होगा, कैसी परिस्थिति उस दिन होगी। तो उन चीजों पर आपको ज्यादा दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर आप पूरे दिन अच्छी मेहनत करने के बाद एक बार अगर आपके दिमाग में यह आ जाता है ना कि पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं फाउल हो जाऊंगा या बचूंगा, तो ये चीजें अगर पता नहीं अगर होगा ना, तो हमेशा उल्टा होने की संभावना ज्यादा होती है, नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। अपनी तैयारी पर और अपने आप पर पूरा यकीन रखिए, पूरा विश्वास रखिए, आप सबसे अच्छा करेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। आपने हर चीज अगर फॉलो किया है तो आप आराम से ना फाउल होंगे और ना आपका जंप कम रहेगा। टेस्ट वाले दिन एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ये चीज भी आपको भूलना नहीं है, बहुत एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, और जो दूरी होती है ना बेटा वो भी कम नजर आती है।
आप जब टेस्ट दे के आएंगे तब देखना, आपको 15 फीट है ना वो 14 फीट जितना ही लगेगा, 1 फीट तक दूरी कम नजर आती है। इसके पीछे सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसके पीछे सिर्फ टेस्ट का एक जोश होता है। टेस्ट वाले दिन एक ही बार करना होता है, लास्ट बार करना होता है, और उसके लिए हमने जो इतनी मेहनत कर रखी है, तो क्यों उस दिन हम कमजोर रहेंगे, क्यों हम उस दिन किसी से पीछे रहेंगे, और क्यों हमारा फाउल होगा, क्योंकि उसके लिए हमने कितनी बार प्रैक्टिस की है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा और आपका जंप अच्छा इंप्रूव होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए आप। साथ में जब आप रनिंग करके लॉन्ग जंप करते हैं ना, तो आपको छोटे स्टेप रखने हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्टेप बड़े करते हैं, स्टेप बड़ा करने से जंप बड़ा नहीं होगा, स्टेप आपको छोटे ही रखने हैं, नॉर्मल स्टेप रखने हैं, स्पीड ज्यादा रखनी है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना जंप आपका अच्छा होगा, जंप आपका ज्यादा होगा। और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पैरों की एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, पैरों वाली एक्सरसाइज जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी एक्सरसाइज करिए, और अभी भी आप आराम से इंप्रूव कर सकते हैं। अब भी अगर आपको डर लग रहा है तो रिम डिफेंस एकेडमी में स्वागत है आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप लॉन्ग जंप अपना इंप्रूव कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको जाना है और रिम डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उसमें से आप आराम से मेरे सारे वीडियोज, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल तैयारी करने वाले कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेंगे, पूरी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और जो बच्चे जयपुर आके तैयारी करना चाहते हैं तो वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है एकेडमी का उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, और एक वीक में भी आप अपना लॉन्ग जंप और तीनों इवेंट अपने इंप्रूव कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है, पूरे 100 नंबर के लिए तो नहीं कहता, बट आप में इंप्रूवमेंट जरूर होगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आपको अगर किसी भी इवेंट में डर लग रहा है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, रिटर्न में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, तो अब भी आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी टीम एक अच्छे अनुभव के साथ हम काम कर रहे हैं, और ये सब आप सबके विश्वास और प्यार की वजह से ही है। जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं, अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले सारे टिप्स के वीडियो, साथ ही आपको और भी कई जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कब आपको लॉन्ग जंप के लिए जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से आपको उस दिन ध्यान रखना है, क्या आपको खाके जाना है, ये सारी चीजों पे लगातार वीडियो चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। राजस्थान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।